नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोराइसिस के पेशेंट जो स्कैल्प सोराइसिस को फेस कर रहे हैं, खासकर उन्हें कौन से शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। आज इसी वीडियो में मैं आपको एक होममेड शैम्पू भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिनकी मदद से आप अपने स्कैल्प सोराइसिस को बढ़ने से रोक सकते हैं। सबसे पहले हम टिप्स की बात कर लेते हैं। जब आप अपने हेयर्स को वॉश करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आप उन्हें वॉश करने के तुरंत बाद बांधे नहीं, बहुत टाइटली आपको नहीं बांधना है, इससे आपका स्कैल्प सोराइसिस और बिगड़ सकता है। आप कोशिश करें या तो उन्हें खुले रहने दें या फिर बहुत ही हल्के से कॉटन की रबर बैंड से आप उन्हें बांध सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी आप उन्हें ड्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ड्रायर का, तो यहाँ आप बहुत गलत कर रहे हैं। ड्रायर की वजह से भी आपका स्कैल्प सोराइसिस बढ़ सकता है। यहाँ पर आप कॉटन का टॉवल ले सकते हैं या मसलिन टॉवल ले सकते हैं, उस कपड़े से आप अपने बालों को हल्के हल्के हाथों से सुखा सकते हैं। अब शैम्पू की भी बात कर लेते हैं कि कौन सा शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप शैम्पू इस्तेमाल करेंगे माइल्ड ग्लिसरीन बेस्ड शैम्पू। इसके अंदर आपको केमिकल्स नहीं मिलते। जनरली पेशेंट्स क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स बेस्ड शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। वो कुछ समय के लिए उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्टेरॉइड शैम्पू का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं उनका स्कैल्प सोराइसिस और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। आपको स्टेरॉइड बेस्ड शैम्पूज का इस्तेमाल नहीं करना है, केमिकल बेस्ड शैम्पूज का इस्तेमाल नहीं करना है, इससे आपका स्कैल्प सोराइसिस बिगड़ सकता है। साथ ही साथ शैम्पू आपको वीक में एक या दो बार ही इस्तेमाल करना है। बेसिकली अगर आप शैम्पू करते हैं तो इससे आपके स्कैल्प सोराइसिस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपके बालों को क्लीन करने में, आपके स्कैल्प को क्लीन करने में मदद करता है। इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टीज आपको नहीं मिलती जो आपकी स्किन को या आपके सोराइसिस को कम करने में मदद करे, लेकिन जो होममेड शैम्पू मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी मदद से आपका सोराइसिस ठीक होने की ओर भी कदम बढ़ाएगा। उसकी मदद से आप अपने सोराइसिस को ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको वीक में 3 दिन से ज़्यादा नहीं करना है। और जब भी आप शैम्पू करते हैं एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपको ल्यूक वॉर्म वाटर लेना है या फिर बिल्कुल नॉर्मल पानी लेना है। गर्म पानी से आपको शैम्पू नहीं करना है। इसके साथ साथ आप किसी तरीके का जेल शैम्पू या फिर क्रीम वगैरह अपने बालों में इस्तेमाल कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो इसको बिल्कुल बंद कर दें। इससे भी आपका स्कैल्प सोराइसिस जो अभी छोटा है वो और बढ़ सकता है अगर आप ये गलती कर रहे हैं। अब बात करते हैं होममेड शैम्पू की, किस तरीके से आप होममेड शैम्पू बना सकते हैं। इसके लिए आपको एलोवेरा लेना है और आपको एक बेबी शैम्पू लेना है। इसके साथ साथ आपको इसके अंदर लेना है कड़ी पत्ता और इसके साथ साथ आपको गुड़हल के जो फूल होते हैं वो लेने हैं। 3 से 4 गुड़हल के फूल लेने हैं, उनमें से जो पॉलन्स होते हैं उनको हटा देना है और इन फूलों को अलग रख लेना है। इसके साथ ही एलोवेरा का जो जेल होता है 1 लीफ लें, उस जेल को उन फूलों के साथ रखें। और इसके बाद आपको कड़ी पत्ते लेने हैं 10 से 15। इन पत्तों को और फूलों को और जो एलोवेरा जेल है इसको मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद आप इसमें बेबी शैम्पू जो होता है उसको मिला लें और इस पेस्ट को अच्छे से अपने बालों पर आप लगा सकते हैं और आप 10 से 15 दिन के लिए इसको घर पर रख भी सकते हैं संभाल कर, मतलब ये ख़राब नहीं होगा इतनी जल्दी। इससे क्या होगा, आपके बाल क्लीन भी होंगे, साथ ही साथ एलोवेरा की प्रॉपर्टीज़ आपके जो सोराइसिस है उसको ठीक करने में आपकी मदद करेगी। और इसी के साथ आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा एलोवेरा कैसे आपके सोराइसिस को ठीक करने में मदद करता है। तो इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली इस वीडियो को देखने के लिए हमारे सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले और आप उस वीडियो को सही से देख पाएं और फायदा उठा पाएं। और इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट के थ्रू आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप सोराइसिस का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप स्कैल्प सोराइसिस पर इस शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, इससे आपको फायदा मिलता है तो वेल एंड गुड है, अगर फायदा नहीं मिल रहा तो तुरंत ही ट्रीटमेंट जरूर स्टार्ट करें और इस शैम्पू को ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल भी ना समझें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और आप इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।